हेलो एंड हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या क्या फ्रॉड हो जाते हैं। अमेज़ॉन कंपनी, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है, उससे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट लेते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल भी करते हैं। अमेज़ॉन अच्छी कंपनी तो है, पर साथ साथ उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि जो बेचारे कस्टमर वालों को, उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वहाँ के कस्टमर उनकी डील तो करते हैं, लेकिन वो डील बराबर नहीं करके उनके पैसे जो है वो खा लेते हैं और पैसे उनको देते नहीं हैं, और उनको बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप अपने पैसे, अगर अगर आपने कोई शॉपिंग की है और आपके पास कोई गलत प्रोडक्ट आ गया है या किसी और का सामान आपके पास आ गया है, तो आपको क्या करना है? आप उनको कंप्लेन तो करेंगे, लेकिन आपकी कंप्लेन वो सुन तो लेंगे, लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि आप बताइए आपको कितना नुकसान हुआ है, और आप सोचेंगे कि आपने, आपको जो नुकसान हुआ है वो ये है कि आपने जो गलत प्रोडक्ट आ गया उसके पैसे आपने ज़्यादा दे दिए। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो आपने सेल, आपने जो परचेज़ किए थे, तो उसके कितना अमाउंट हुआ है वो आपको उनको ज़रूर बताना है, नहीं तो वो तो कैलकुलेशन करेंगे नहीं, और इससे आपको बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और उन्होंने मेरे पैसे, 100 रुपये का पूरा मुझे नुकसान हुआ, उन्होंने मेरी कोई भरपाई नहीं की। मैंने उनको वापस कस्टमर केयर में कॉल किया, उन्होंने कहा हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम आपको आपके 100 रुपये वापस नहीं दिला सकते हैं। अगर ऐसी नामी कंपनियों में ऐसा हो सकता है, तो सोचिए और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके साथ वो आपके साथ बहुत सारा फ्रॉड कर सकते हैं। तो मैं, आप, मेरा वीडियो बनाने का बस एक यही अहम है कि मैं चाहती हूँ कि आपको कभी इस तरीके का नुकसान नहीं हो। आप, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो आप सबसे पहले आप अपना नाम चेक कर लीजिए कि भाई देखिए आपके नाम से ही वो आया है कि नहीं आया है, और अगर आपके नाम से नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपने अमेज़ॉन पे पता करें, और पता करके आप अपना अमाउंट पता करें, जिससे क्या होगा कि आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप अमेज़ॉन के भरोसे रहे, तो अमेज़ॉन तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो मेरी आपसे ये विनती है कि अगर अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने पैसों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अमेज़ॉन हमारी कंपनी जो है, हमारे पैसे भी ले सकती है, जो हमारी 100 रुपये हमें वापस, 100 रुपये तो मुझे नहीं दिए, हो सकता है लोगों को बहुत सारे बहुत पैसे वापस ना मिले हो। इसलिए मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को चेक कीजिए, और जो इतने भी पैसे बनते हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो अपने पैसे बना के रखिए जो भी है, और डिलीवरी बॉय को दीजिए, जिससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुए। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती थी। ओके, टाटा बाय बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना।